पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और कहा, हमें इस बात का गर्व है कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सभी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कमलनाथ ने कहा, हमें गर्व है कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने कहा, आज संकल्प लें कि हम सब दलित और पिछड़े समाज की तरक्की के लिए काम करेंगे और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। देशवासियों, आप सभी को भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ जाकर उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण करूं, मगर इस महामारी की स्थिति में ये संभव नहीं है, इसलिए उनका जन्मदिन मैं अपने घर पर ही मना रहा हूं। आइए आज संकल्प लें कि हम सब दलित और पिछड़े समाज की तरक्की के लिए काम करेंगे और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।